यदि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे तो आखिर उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा क्यों लिया? ये सवाल किसी ने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा और उसका जवाब मांगा। देखिए, ये सवाल जो है बहुत सारे मसीह भाई बहनों के अंदर में आता है जब वो गॉस्पेल अकाउंट को पढ़ते हैं या प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो तो निष्पाप थे। वचन कहता उनमें कोई पाप दोष नहीं था, वो परफेक्टली राइचस थे। तो बपतिस्मा लेने का वजह क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा का अकाउंट है वो विस्तार से मत्ती रचित सुसमाचार यानी कि मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 13 से लेकर 17 में हमें पूरा एपिसोड को दिखाई देता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले आपको चैप्टर 3 मैथ्यू का चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर आपको पढ़ना होगा, जहां पर हमें दिखाई देता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराने के लिए वो प्रचार कर बपतिस्मा दे रहा है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का रोल जो है खास तौर पे फोररनर, जिसका बारे में यशायाह का पुस्तक 40:3 में जो भविष्यवाणी हुआ वो व्यक्ति यही है, यानी कि मसाया का जो फोररनर है वो जॉन द बपतिस्ट है। अब ये जॉन द बपतिस्ट जो है पावरफुली मन फिराने के लिए प्रचार कर रहा है और जूदिया जेरूशलेम यहां तक कि सादुसी फारिसी लोग भी आकर मन फिराकर बपतिस्मा ले रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से। अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस लिए बपतिस्मा दे रहा है उसको भी आपको जानना होगा। और जो प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया बिलीवर्स का बपतिस्मा, वो दोनों अलग है। यहीं पर हमें समझने को मिलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है मन फिराने के लिए, मन फिराकर मसाया को स्वीकार करने के लिए। उस रीति से वो प्रचार भी कर उस रीति से वो बपतिस्मा दे रहा है, यानी कि मसाया सेवियर यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए ये बपतिस्मा जो हो रहा है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 में वो साफ कहता है कि मैं तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आएगा जिसकी चप्पल तक को उठाने का योग्य मैं नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता रहे। लेकिन चौंकाने वाली चीज यहां पर यह हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए। अब ये देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी चौंक जाता है और वो कहता है मुझे आपसे बपतिस्मा लेनी चाहिए और आप मेरे पास आए, यानी कि वो इस योग्य नहीं सोच रहा था अपने आप को कि वो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है उसे हम थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी के लिए ऐसा होने दे ताकि धार्मिकता का पूरी तरीके से पूर्ति हो। इसका अर्थ है कि वो पिता का योजना जो कि हम सबों के इंसान के पापों के सजा के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो कलवरी क्रॉस में चढ़ना, मृत्यु को प्राप्त करना और 3 दिन बाद में जी उठना, ये जो प्रभु का योजना हमें बपतिस्मा में दिखाई देता है। 2 Corinthians 5:21 में जिस प्रकार से वचन कहता है कि जो निष्पाप था उसे पाप ठहराया गया, यानी कि उन्हें पापी बना दिया गया ताकि उनके धार्मिकता द्वारा बहुत सारे लोग धार्मिक हो। बपतिस्मा ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी हो गए, उनमें कोई पाप नहीं लेकिन हमारा पाप जो है उनमें आना, सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंट कर, जो कलवरी क्रॉस में जो बलिदान होना उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही उनमें कोई पाप नहीं फिर भी वो पापी के समान वो बपतिस्मा ले रहे, हमारे जगह पर वो मरेंगे, कलवरी क्रॉस में चढ़ेंगे, मृत्यु को
प्राप्त करेंगे और तीन दिन बाद में जी उठेंगे। इट्स कॉल्ड वाटरी ग्रेप। इसलिए बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4 फॉलोइंग में पढ़ने पर हमें क्या मिलता है कि ये जो बपतिस्मा जो है मृत्यु को इंडिकेट कर रहा है। पानी में जाना यानी कि इट्स वाटरी ग्रेप, और पानी से बाहर आना इट इज रिजरेक्शन। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना, हम सबों का जगह को उन्होंने लिया, ह्यूमैनिटी का जगह को उन्होंने लिया, और हमारे साथ में वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो बपतिस्मा है, हम सबों के जगह में मरना, हम सबों के जगह पर बलि चढ़ना, उसको इंडिकेट कर उसको दिखाता है सिंबॉलिकली। और इसीलिए जब आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन को, उनका जो वंशावली को जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो आरुन के वंशज से है, यानी कि वो एक लीबी है, प्रिस्ट है। वो प्रिस्ट ओल्ड टेस्टामेंट में क्या करता है, वो बलि को तैयार करता है, बलि को प्रेजेंट करता है, जो सेक्रीफाइस होना है उसको वो प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि वो जानता है कि ये मसाया है, सेवियर है, वो कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लेता है। वो बलि को प्रेजेंट कर रहा था, कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और प्रभु यीशु मसीह सिंबॉलिकली हमारे जगह पर वो पापी ठहरा कर बपतिस्मा ले रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है ऑफिशियली इनॉग्रेट करता है उनका मिनिस्ट्री को। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा के भरपूरी में वो अपनी सेवकाई को शुरुआत करते हैं। ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर का टाइमिंग था। और इसी कारण हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरता है और आसमानी आवाज से पिता परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि बपतिस्मा जो है बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अब सेवकाई का समय आया, पूरी तरीके से फुल फ्लेज मिनिस्ट्री, क्योंकि उनका जो फाइनल जो मिशन था क्रॉस का वो नजदीक आ चुका था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री और बपतिस्मा जो है इस चीज का शुरुआत करता है। और तीन नंबर में उनका बपतिस्मा जो है हम सबों के लिए एक उदाहरण है। अब यहां में आपको समझना है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा और प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा इंस्टीट्यूट क्या वाला, ये दोनों अलग अलग है। इसीलिए आप देखोगे कि अपोस्टल्स ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया उनको दोबारा बपतिस्मा दिया, जब आप अर्ली चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और फिर जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया वाला, वो बपतिस्मा था पब्लिक कन्फेशन, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर सेवियर के रूप में जो स्वीकार करते हैं, उनके अंदर में जो परिवर्तन होता है वो पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि बताने के लिए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, उसको मैंने अपना मालिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसके पीछे मैं चल रहा हूँ, इस बात को बताने के लिए वो व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा लेता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का इंस्टीट्यूट क्या वाला बपतिस्मा, जो बिलीवर्स का बपतिस्मा है, उसे हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लेकर दिखाया। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा, वो बपतिस्मा था मन फिराने के लिए, सेवियर को रिसीव करने के लिए। लेकिन अभी हमें बपतिस्मा लेना है पब्लिक कन्फेशन के लिए, यानी कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में पानी जो वाटरी ग्रेव है उसमें घुस रहे हैं, यानी कि मृत्यु पुराने जीवन सबको वहां पर दफन हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जिस प्रकार से रोमन 6:4 फॉलोइंग में कहता है। और पानी से बाहर आना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नया जीवन हमें मिला, हम प्रभु के परिवार में संतान के रूप में पैदा हो गए, प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है, जो हमारा रिश्ता पाप के कारण टूटा था प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान के कारण वो जुड़ गया है। इसीलिए हम सभी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का जो इंस्टीट्यूट किया वाला उसे लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। तो ये तीन कारण हैं जिसके वजह से प्रभु ने बपतिस्मा लिया, ना कि किसी प्रकार के पाप से मन फिराने के लिए, ना कि किसी प्रकार के पाप से छुटकारा के लिए प्रभु ने बपतिस्मा लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये जवाब समझ में आया। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।